स्टूडेंट दिस इज दिनियर कॉम्बिनेशन सो वॉट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली द्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल वेरिएबल को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यू वेरिएबल के अंदर दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन अ लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ लीनियर कॉम्बिनेशन इज अटेड साम ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इन टू और मोर वेरिएबल्स को हमने वेट असाइन करने दिस इज़ वेटेड सम ऑफ़ टू और मोर वेरिएबल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा है हमारे पास क्या है बेसिकली वेटेड सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स दिस क्रिएट अ न्यू वेरिएबल क्या किया हमने ओरिजिनल वेरिएबल को बेसिकली हमने ट्रांसफॉर्म किया है न्यू वेरिएबल्स में that are a linear combination of the existing variables basically we have three variables x1 x2 and x3 again students main aap se yahi baat karungi ki main notation use kar rahi hu x1 x2 x3 तो basically उस x1, x2, x3 के behind कोई ना कोई variable name होगा तो variable name बार बार recall करने से better होता है कि हम कह देते हैं वी थ्री वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री अब वो थ्री वेरिएबल्स क्या हैं अगर मैं सपोज पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं आपसे कहूँ कि सपोज हम हाउस होल्ड बजट देखना चाह रहे हैं हाउस होल्ड बजट हमारे पास कितना है जिसको मैं वाई कह देती हूँ वाई स्टैंड फॉर दी हाउस होल्ड बजट और हाउस होल्ड बजट हमारे पास है एटी थाउजेंड को हमने ले लिया एटी थाउजेंड हमने हाउस होल्ड बजट एडजस्ट करना है. अब उसके लिए x1, x2, x3 क्या हो गया हम ग्रॉसरी कह लें x1 हमारे पास ग्रॉसरी हो गई x2 हमने कह दिया कि ये चिल्ड्रन की फीस है x3 हम कह रहे हैं यूटिलिटीज़ है हमारे पास एंटरटेनमेंट है सेविंग है कोई भी वेरिएबल है उसका नाम है मैं अगेन रिकॉल कर रही हूँ कि x1, x2, x3 जस्ट हमारे पास वेरिएबल नेम्स होते हैं हम हर दफ़ा ये नहीं कहेंगे दिस इज दी एक्सपेंडिचर दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज दी ग्रॉसरी, दिस इज दी स्कूल फी उसके लिए हम जस्ट उसका कह देते हैं दिस इज दी एक्स वन एक्स टू एंड थ्री। तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कहने का मतलब ये होता है कि बिहाइंड उसके वेरिएबल नेम्स है कोई ना कोई तो सिमिलरली हमने एक क्या किया हमने हाउस होल्ड बजट जनरेट करना है या हमने हाउस होल्ड बजट सेट करना है कितना इनकम हमारे पास है एटी थाउजेंड अब हमने क्या किया इक्वल्स टू टू एक्स वन दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ये अब आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है वी कैन क्रिएट अ न्यू वेरिएबल वाई अब वाई हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया है विद दी वेरिएबल तो हमारे पास क्या है टू एक्स वन यानी एक्स वन को हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स वन वेरिएबल जो भी हमारे पास वेरिएबल है सपोज मैं कह रही हूँ कि हम टू टाइम्स ग्रॉसरी करते हैं टू टाइम्स ग्रॉसरी के एवरी फिफ्टीन डेज के बाद हम ग्रॉसरी करें तो ये हमारे पास हो गया एक्स वन ग्रॉसरी हो गया थ्री चिल्ड्रन की फी चली गई वो माइनस कर लिया हमने और प्लस फोर हम वीकली हम ये कह रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट ले रहे हैं यूटिलिटी हमारे पास है ट्रांसपोर्ट है उसको हमने एक्स थ्री को कह दिया ये जिसको आप मिसलिनियस कह लेते हो तो अब आपके पास क्या हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया न्यू वेरिएबल न्यू वेरिएबल वाई बाय टेकिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स वी हैव थ्री वेरिएबल्स और हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया ट्रांसफॉर्म का मतलब उसके साथ ये कॉन्स्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ये कॉन्स्टेंट है उससे हमारे पास न्यू वेरिएबल जनरेट हो गया दैट इज वाई दिस मीन्स दैट वाई इज एक टू टू टाइम्स ऑफ एक्स वन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स टू प्लस फोर टाइम्स ऑफ एक्स थ्री तो वाई हमारे पास न्यू वेरिएबल कंप्यूट हो गया इन थ्री के साथ इन थ्री वेरिएबल्स के साथ टू कैलकुलेट वेरिएबल वाई फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सिंपली सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज इन द इक्वेशन फॉर वाई दिस इज द कैपिटल वाई एंड कंप्यूट द रिजल्ट अब ये फॉर एग्जाम्पल है दिस इज हाइपोथेटिकल जिस तरह मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दी है वो एटी थाउजेंड इनकम को एडजस्ट करने की इसी तरह यहाँ पे हाइपोथेटिकल है फॉर एग्जाम्पल इफ अगर x1 वन इक्वल्स टू वन हो x2 हमारे पास टू है एंड x3 थ्री इक्वल टू थ्री है तो so देन हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है सो वाई इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्म हो गया टू ऑफ x1 x1 हमारे पास वन है थ्री ऑफ x2 क्योंकि हमने लेट किया है एक्स टू इक्वल टू टू प्लस फोर ऑफ एक्स थ्री यानी फोर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स थ्री वी है मैंने प्रीवियस कहा था कि हम एटी थाउजेंड का बजट एडजस्ट कर रहे हैं तो एवरी वन यानी वन हमारे पास हो गया सपोज मैं हम कह रही हूं वन स्टैंड फॉर टेन थाउजेंड टू स्टैंड फॉर ट्वेंटी थाउजेंड थ्री स्टैंड फॉर थर्टी थाउजेंड तो एट सेंड फॉर एटी थाउजेंड तो हमने बजट एडजस्ट कर लिया है एटी थाउजेंड का उसके अकॉर्डिंग ठीक है दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करता है लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसके साथ हम कोई ना कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडिशन हो रही है सब्ट्रैक्शन हो रही है बेसिकली तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है बाकी ये तो आपके पास इक्वेशन है इक्वेशन में एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है वैल्यू ऑफ वाई फॉर दिस पर्टिकुलर सेट वैल्यूज़ इज एट ठीक है वैल्यू ऑफ वाई की हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आ गई है एट अब वो एट डॉलर हैं एट आरस हैं एट थाउजेंड है क्या है वो उसके साथ उसके स्केल मल्टीप्लाई हो जाते हैं जो भी आपके पास वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट करोगे सो द लीनियर कॉम्बिनेशन आर यूजफुल इन मल्टीवेरियड एनालिसिस बिकॉज दे कैन हेल्प सिंप्लीफाई डेटा एंड अनकवर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स क्या कर मल्टी वेरिएट अनालिस बेसिकली हमारे पास डेटा को सिंप्लीफाई कर लेता है और अनकवर रिलेशन बेसिकली हमारे पास बिट्वीन वेरिएबल्स जो हमारे पास अनकवर रिलेशन है यहाँ तो मैंने आपको एक हाउस होल्ड इनकम की एग्जाम्पल दी ना समटाइम्स ऐसे एग्जाम्पल नहीं होती रिलेशन नहीं है उन रिलेशन को कौन कवर कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन मल्टी वेरिएट अनिसिस के अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ यू फाइंड द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द सेवरल वेरिएबल्स अब ये तो आपके पास जस्ट थ्री वेरिएबल्स है ना लीनियर कम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं फॉर सेवरल वेरिएबल्स इट्स स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर आउटकम वेरिएबल ओके पर्टिकुलर आउटकम वेरिएबल वाई है हमारे पास देन वी कैन यूज दैट लीनियर कॉम्बिनेशन एज दी प्रोडिक्ट इन अग्रेशन अनालिस तो रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली हमारे पास क्या यूज होता है लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या कर देती है डेटा को सिंप्लीफाई कर लेती है अनकवर रिलेशन को कवर कर लेती है लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू और उसके अंदर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वेरिएबल पर्टिकुलर वेरिएबल इज वाई और बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होती है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर यूज होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मल्टीवेरिएट का जिसना कहते हैं ना बेसिक्स में से आ रही है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होती है तो दिस इज द आइडिया ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन